हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरियाणा की एक और ट्रेडिशनल रेसिपी जो होती है कचरी की सब्ज़ी। एक मैंने रेसिपी शेयर की थी कचरी की चटनी, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी कचरी की सब्ज़ी। आजकल ये कचरी का सीजन चला हुआ है और ये सब्ज़ी जो होती है हमारे लिए बहुत ही गुणों से भरपूर होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बाजरे की रोटी के साथ, फलके के साथ, पराठे के साथ, हम किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं कचरी की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और गुणों से भरपूर होती है, तो इसलिए मैं आपके साथ आज कचरी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये कचरी की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए मैंने ये 10 से 11 कचरियाँ ली हैं और ये मैंने दो प्याज ले लिए हैं, ये लिए मैंने लहसुन की कलियाँ 5 से 7 और दो लिए हरी मिर्च। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कचरी है इनको हम काटेंगे गोल गोल स्लाइस में, लेकिन इनको हमें क्या करना है कि चेक करके, टेस्ट करके काटना है, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो कड़वे हो सकते हैं। तो इसलिए इन सारी कचरियों को हमें टेस्ट करके ना और गोल गोल स्लाइस में ऐसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से सारी कचरियों को हम काट लेते हैं। ये मैंने सारी चीज़ों को देखिए काट लिया, ये मैंने कचरियाँ काट ली हैं, ये मैंने लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि लहसुन के हमें पीस के नहीं डालना है, जो कटे हुए लहसुन का इसमें फ्लेवर आता है बहुत अच्छा आता है। ये मैंने दो प्याज काट ली हैं और दो हरी मिर्च काट ली हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं सब्ज़ी। ये मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी और उसमें मैंने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इसको अब हम गर्म कर लेते हैं। ये हमारा तेल गर्म हो गया तो इसमें हम डाल देते हैं अब 1 छोटा चम्मच राई और इसको हल्का सा चटक जाने देते हैं हम। ये हमारी राई जो हल्की सी चटक गई तब इसमें डाल देते हैं हम लहसुन और इसको भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। गैस को हमें रखना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को भी हमें हल्का सा भून लेना है और इसके साथ ही इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी, क्योंकि कलौंजी का जो फ्लेवर होता है हमारी सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए अब मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी ऐड करके ना और हमें इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये सारी चीज़ें हल्की सी फ्राई हो गई तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा और इसको भी हमें मिक्स करते हुए भून लेना है। ये तो पहले ही भुना हुआ वैसे इसके साथ मिक्स हो जाएगा प्याज और हरी मिर्च के साथ। इसका भी फ्लेवर जो ये सब्ज़ी होती है कचरी की बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारी प्याज हल्की सी भुन चुकी है तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारे बेसिक मसाले। तो बेसिक मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने लिया है तीखे वाली लाल मिर्च और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर। और इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट तक भून लेना है। ये हमारे सारे मसाले देखिए अच्छे से पक चुके हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो आगे अब हम इसमें डाल देते हैं कचरी, जो कचरी हमने काट के रखी थी वो कचरी मैंने इसमें डाल दी है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और 1 मिनट हो गया हमारी कचरियों को पकते हुए। तो लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक हो मिर्च हो तो आप जितना कम ज़्यादा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये मैंने नमक को भी मिला दिया है, नमक थोड़ा कम ही डालना क्योंकि कचरी खट्टी होती है। अब इसमें हमें ऐड करना है पानी, तो मैं 1/2 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने पानी डाल दिया है और अब क्या करना है हमें इनको 5 मिनट तक ढक के पकाना है, फुल फ्लेम कर देना गैस की। बीच बीच में 1-2 बार हमें इसको संभाल लेना है, यानी 1 बार इसमें चमचा चला देना है और फिर इसको ढक देना है। ये हमारे हरियाणा की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसको बाजरे की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ खाते हैं और अब कचरियों का सीजन चल रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए हमारी जो तो सब्ज़ी है वो पककर लगभग तैयार है। अगर आप खट्टी मिट्टी सब्ज़ी खाना पसंद कर सकते हैं तो आप इसमें गुड़ या शक्कर का यूज़ कर सकते हैं, वो खट्टी मिट्टी सब्ज़ी भी है बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये जो कचरियाँ होती हैं बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इनको पकड़े में टाइम नहीं लगता। देखिए बिल्कुल पक चुकी है। तो चलिए अब गर्मा गर्म इसको हम सर्व करते हैं। ये जो कचरी की सब्ज़ी होती है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप भी ये मेरे कहने से ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना। अभी कचरियों का सीज़न चला हुआ है तो मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाती हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।